कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ कुंटिया का मंगलवार 12 अप्रैल को नॉन टीचिंग क्लब में चुनाव होने जा रहा है। इस बार तीन गुटों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बार चुनाव में शेर ग्रुप, करण सिंह ग्रुप और रजवंत कौर ग्रुप चुनाव मैदान में है। ये सभी ग्रुप जहां पिछले कई दिनों से लगातार वोट के लिए जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, वहीं इन सभी ग्रुपों के बीच शेर ग्रुप के प्रधान प्रत्याशी नीलकंठ शर्मा, महासचिव पद प्रत्याशी रविंदर तोमर और पूर्व प्रधान सुनील कक्कड़ ने इस बार एक बार फिर से शेर ग्रुप की जीत का दावा करते हुए कहा कि शेर ग्रुप अपने किए हुए कामों की बदौलत एक बार फिर से कर्मचारियों के बीच में जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके ग्रुप के कार्यकाल में करवाए गए कार्यों की बदौलत कर्मचारी एक बार फिर से उन्हें सेवा करने का मौका देंगे। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर कर्मचारियों को प्रमोशन दिलाने का काम पिछले कार्यकाल में किया गया, अब अधीक्षक और असिस्टेंट के पदों पर प्रमोशन दिलाने का काम किया जाएगा। वहीं इन सब के अलावा शेयर ग्रुप लगातार कर्मचारियों के हकों की आवाज उठाता आया है और उठाता रहेगा। चुनाव प्रचार के आज अंतिम दिन भी शेयर ग्रुप द्वारा युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार अभियान चलाया गया। शेयर ग्रुप एक बार फिर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहा है। देखिए, कल को हमारा शेड्यूल 12 अप्रैल को कुंटिया का चुनाव होने जा रहा है और उसके अंदर आज प्रचार का हमारा अंतिम दिन है और हमने काफ़ी विभागों का दौरा किया। जैसे अभी ये अपना डिस्टेंस एजुकेशन का, मास कम्युनिकेशन विभाग का भी हम दौरा करके आए हैं और हम तो सभी कर्मचारियों से ये अपील करेंगे कि कल को जो हमारा ये चुनाव होने वाला है, एक हमारा ये पर्व की तरह हम इसको हर साल मनाते हैं। सभी कर्मचारी भाईचारे से इसके अंदर भागीदारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी अपने मत का प्रयोग करें ताकि एक सफल यूनियन को चुना जाए, एक अच्छी यूनियन को चुना जाए जो आप कर्मचारी हितों के लिए काम कर सके। जी, आपका परिचय? रविंदर तोमर, वर्तमान में महासचिव हूँ कुटिया। किस पद के लिए आप जो है? मैं इस बार भी कुटिया में महासचिव पद के लिए शेयर ग्रुप का उम्मीदवार हूँ और पिछले साल भी हमने ही, हमारी टीम ही कुटिया के अंदर थी और हमने बहुत से मुद्दे ऐसे थे कर्मचारियों के जो हमने इस साल काम करने का काम किया है, जिसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कर्मचारियों की, 2018 के अंदर कर्मचारियों का वेतन काट लिया गया था, एक हड़ताल हुई थी हमारी काफ़ी लंबी और उसका जो आज हमने प्रशासन से बातचीत करने के माध्यम से और सारी बातचीत करने के बाद आज सैद्धांतिक मंजूरी जो कर्मचारियों का कटा हुआ वेतन था उसको वापस दिलवाने की दिलवा दी है और जैसे ही हमारा नया बजट आता है प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया हुआ है और लिखित रूप में भी हमारे को बिल्कुल मंजूरी दी हुई है कि जैसे नया बजट आएगा वो अपना कटा हुआ वेतन कर्मचारियों को वापस डाल दिया जाएगा। और हमारे कई मुद्दे थे, जैसे इस साल हमने काम किया, हमारी AR की प्रमोशन थी विश्वविद्यालय के अंदर, काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन पेंडिंग पड़ी थी और लेकिन आज हमारे 8 अधीक्षक हैं जो AR बन चुके हैं और आगे 2 और अधीक्षक हैं जिनकी फाइल चली हुई है, ये भी काम हुआ। और 7th पे कमीशन का एरियर था 2017 से पेंडिंग था हमारे SFS के कर्मचारियों का, वो भी हमने इस साल, हमारी जब कार्यकारिणी थी, हमारा जो ग्रुप था, हमने जब अपना काम करना स्टार्ट किया तो प्रशासन से बातचीत के माध्यम से और एक लंबा संघर्ष करने के बावजूद अब की बार ये है कि हमारा जनवरी फरवरी के अंदर हमारा सारे कर्मचारियों का जो 7th पे कमीशन का जो एरियर पेंडिंग था वो मिल चुका है और कर्मचारियों का जो पैसा PF के अंदर जाना था वो भी आज जा चुका है। और कई मुद्दे थे ऐसे जिसके अंदर हमने, जैसे चाहे स्वास्थ्य से संबंधित थे, चाहे वो हरियाणा स्तर पर भी कई डिमांडें ऐसी थी, चाहे वो कैशलेस मेडिकल की थी, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा था, ओल्ड स्टाफ रेशो का मुद्दा जो काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा है और जिनकी वजह से आज हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रमोशनों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, प्रमोशनें पेंडिंग पड़ी हैं काफ़ी लंबे समय से, जो हमारी असिस्टेंट और स्टूडेंट की प्रमोशन होनी है उस पर भी हमने काम किया। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का मुद्दा एक सरकार की तरफ से यहाँ पर आया था जिसके अंदर सरकार ने लेटर जारी करके कर्म विश्वविद्यालयों के अंदर, हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू कर दिया था। हमारे को फेडरेशन की जिम्मेवारी भी इस साल थी, जो हमारे कुंटिया के प्रधान हैं नीलकंठ शर्मा जी, इनको चेयरमैन थे ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी फेडरेशन के और मैं महासचिव था ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी फेडरेशन का। हमने जैसे ही फेडरेशन की जिम्मेवारी निभाई तो हमने सरकार से बातचीत के माध्यम से आज बड़ी खुशी से हम कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का मुद्दा सरकार ने हमारे पर लागू किया था, सरकार ने उसको जब हमने संघर्ष किया 2 महीने के अंदर ही अपने लेटर को विड्रा कर लिया और आज कर्मचारियों के अंदर इस प्रकार का कोई भय और डर नहीं है कि कर्मचारियों को इस विश्वविद्यालय के बाद दूसरे विश्वविद्यालय के अंदर नौकरी करनी पड़ेगी। ग्रुप COD की भर्ती का मामला था, चाहे शिक्षक और गैर शिक्षकों की अन्य भर्तियों का मामला था, जो अधिकार प्रशासन ने, हरियाणा सरकार ने हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन से छीन लिए थे, सभी विश्वविद्यालयों से, हमने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने एक 5 मेंबरी कमेटी का गठन किया और जिसके अनुसार यही फैसला बाद में आना है कि विश्वविद्यालयों की जो भी भर्तियां होंगी वो किस स्तर पर होंगी, वो विश्वविद्यालय स्तर पर होंगी या सरकार स्तर पर होंगी, उसके लिए भी हमने फेडरेशन के माध्यम से काफ़ी काम किया है। जी, तो क्या कुछ रणनीति लेकर इस बार आप चुनाव मैदान में? जैसा कि अभी महासचिव जी ने बताया, रविंद्र भाई ने,
तो हमारी यही है कि भी जो कर्मचारियों का जितना भी हम वेलफेयर के लिए, इस संगठन की मजबूती के लिए कार्य, अपने स्वार्थों को त्याग कर, सिर्फ और सिर्फ हम पिछले 2 साल से जो हमारे संगठन को मेरे को प्रधान पद के लिए सेवा का मौका दिया कर्मचारियों ने, अगर इसके उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन को मजबूती और कर्मचारियों की जो रुके हुए कार्य थे उनको पूरा करवाने का प्रयास किया। और जो अभी साथी रविंद्र जी बता रहे थे कि हमारी प्रमोशन जो हमारे सुप्रिटेंडेंट की है उनकी है, उनके लिए भी हमारी प्रशासन से भी और सरकार से भी बातचीत चली हुई है, वो बिल्कुल पाइपलाइन में है। और जैसे ही अब की बार कर्मचारियों ने मन बना रखा है कि भाई दोबारा से फिर इस टीम को ही मौका देंगे, तो मौका मिलते ही हमने बहुत सबसे पहले हमारा यही एक मतलब वो रहेगा कि सुप्रिटेंडेंट की जो प्रमोशन है सबसे पहले उनका प्रमोशन का लाभ दिलवाएंगे और कर्मचारियों के जो काम है वो काम भी करवाएंगे। परिचय सर आपका। और हमने जो मान ले ये अपना जो SFS के जो साथी थे, अभी जो पहले आया लेटर आ गया गवर्नमेंट से कि भाई इसको SFS को समायोजित करने का, और सरकार ने दोबारा से फिर कर्मचारियों के साथ एक मजाक किया जो एक लेटर को विड्रा करके, और हमारा इस लेटर को विड्रा किया उसके बारे में हम कड़ी निंदा करते हैं सरकार की। और जैसे ही हमारा चुनाव संपन्न हो जाता है, हम एक ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी फेडरेशन की जो चेयरमैन ने हमें मिली है, हमने बिल्कुल सभी यूनिवर्सिटियों की एक मीटिंग बुलाकर इसका विरोध करेंगे और सरकार से अपील भी करेंगे दोबारा से कि भी इसको जल्द से जल्द, हमारा जो मांग थी, डिमांड थी हमारी, उसको जल्द से जल्द SFS को बजट में समायोजित करने का कार्य करवाने का काम करें। सर आपका चुनाव चिन्ह शेर है, क्या अब की बार शेर चल पाएगा? बिल्कुल, शेर धाड़ेगा, चलेगा नहीं धाड़ेगा शेर जी, और पहले भी धाड़ता रहा, आगे भी धाड़ेगा। ईमानदारी का शेर है, ईमानदारी का जो है, और जो मान ले शेर की दहाड़ की बात करी भी चलेगा या मान ले क्या करेगा, साथियों ईमानदारी से कोई भी काम किया जाए वो धाड़ता ही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी बिल्कुल मन बना चुके हैं कि भी अब की बार फिर दोबारा से शेर ग्रुप को सेवा का मौका देंगे जी। आपका परिचय सर? मैं नीलकंठ शर्मा, उनकी तो आपकी पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार? हमारी पार्टी से मुझे दोबारा से मेरे ग्रुप ने प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए सेवा का मौका दिया, और मेरे साथ चंद्रपाल जी हैं वो सीनियर उप प्रधान के लिए, और हमारे उप प्रधान के लिए हमारे साथी नरेश कुमार नरसी जी हैं, और महासचिव के लिए मेरे छोटे भाई रविंदर तोमर जी, और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अपने अर्जुन सिंह जी हैं, और रिजल्ट ब्रांच में हैं साथी। दूसरा हमारे प्रेस सेक्रेटरी के लिए मनीष बालदा जी हैं मेरे साथ टीम में। और सबसे बड़ी बात है कि हमने एक युवा साथी जो नए 2019 में साथी जूनियर ज्वाइन किया, हमने उनमें से एक हमारे रविंद्र तलाव जी हैं, उनको भी टीम में। अब की तो किस प्रकार की टक्कर देख रहे हैं आप? टक्कर क्या ही, तो एक तरफा ही कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं कि भाई कहीं भी जो भी है, जो काम को देख के हुए 2018 में हमारा संगठन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, साथियों ने ऐसे काम कर दिया कि संगठन को ही ख़त्म कर दिया। लेकिन हमने 3 साल में पूरा, हमारे सुनील कक्कड़ जी को सर्वसम्मति से जब बनाया गया, सबसे पहले हमने अपनी रजिस्टर्ड बॉडी बनाई गई उसके लिए काम किया। और इसके बीच में भी एक हमारा कोरोना काल जो आया, 1.5 साल तो हमारा कोरोना काल के समय में ही चला गया, उसमें हम कोई कार्य ऐसे कर नहीं पाए। उनमें कर्मचारी जो हमारे ड्यूटियों पे थे उनके लिए हम, और जो हमारे कैंपस के अंदर भी कई मजदूर साथी थे उनके लिए भी हमने एक कुंटिया रसोई चलाई है। कोरोना काल में हमने ये काम किया, और पिछले 6 महीने जो लास्ट के मिले हैं उन्हीं 6 महीनों में हम ये काम करवा पाए हैं। ये हमारा पूरे साल का पीछे का कार्यशाली रही है, और आगे भी हम ऐसे ही ईमानदारी से और कर्मठता से अपने निस्वार्थ भाव से कर्मचारियों की सेवा करते हैं। देखिए, मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि कल जो हमारा कुटिया का चुनाव होने जा रहा है, और सभी कर्मचारी अपने विवेक से अपने मत का प्रयोग करें, और सोच समझ के सभी कर्मचारियों से मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो टीमें मैदान के अंदर हैं उनके अंदर कंपेरिजन करके अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आज वो साथी भी मैदान के अंदर हैं जिन साथियों ने कभी कुटिया को 2 फाड़ किया था। उन्होंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का मुद्दा इस विश्वविद्यालय के अंदर लेके आए थे वो, और उन्होंने कुंटिया के 2 हिस्से कर दिए थे, और हमारे संगठन को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी। आज वो साथी भी हैं मैदान के अंदर जिन्होंने 3 साल प्रधान रहते हुए, बाद में उन्होंने यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर ओल्ड स्टाफ रेशो को ख़त्म किया और उसकी जगह न्यू स्टाफ रेशो को लागू करवाया, जिसकी वजह से आज हमारा जितना युवा वर्ग है, जो हमारा मिनिस्ट्रियल कैडर का कर्मचारी है, चाहे हमारा पिछला जितना भी सीनियर कर्मचारी है, वो सभी साथी आज प्रमोशन की बात जोड़ रहा है, किसी भी साथी को प्रमोशन नहीं मिल पाई है। हमारी यही अपील है कि कर्मचारी सभी मुद्दों को देखते हुए, और इस वर्ष जो कुंटिया के मान सम्मान को उठाने के लिए और जो संगठन की मजबूती के लिए हमने काम किया है, और बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो मैंने आपको पहले बताई, बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो इस वर्ष हमने पूरी करवाई हैं, और आगे भी जो कर्मचारियों के हमारी प्रमोशंस वगैरह के मामले पेंडिंग पड़े हैं
हमारा हरियाणा सरकार से भी पत्राचार चला हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर जो हायर एजुकेशन के हैं उनसे हमारी कई बार मीटिंग हो चुकी हैं, और हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट के, उनसे भी कई बार मीटिंग हो चुकी हैं। जो हमारे प्रमोशंस के जितने मामले हैं, और चाहे हमारे टेक्निकल कैडर के कुछ मामले हैं, जो मामले हमारे पेंडिंग पड़े हैं, उनको सारा हमारा सरकार से और प्रशासन से हमारी बातचीत चली हुई है। और जैसे ही कर्मचारी हमारे को इस बार अवसर देते हैं और हम चुन के आते हैं, तो आते ही हमारी प्राथमिकता यही रहेगी जो प्रमोशन है हमारी पेंडिंग, उनको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। अभी हाल ही के अंदर एक लेटर हमारा हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 15 मार्च के अंदर आया, जिसमें SFS के कर्मचारी को बजट में कन्वर्ट करने के लिए जिसके बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से। हमने फेडरेशन के माध्यम से और संगठन के माध्यम से काफ़ी प्रयासों से हरियाणा सरकार पर दबाव बनवा के ये हमने सूचना के लिए विश्वविद्यालयों के अंदर ये लेटर जारी करवाया था। जब हमारी वहाँ पर हरियाणा सरकार से बातचीत हुई तो उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के हरियाणा में ये एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी कि उसके बारे में सभी विश्वविद्यालयों ने आज तक क्या काम किया है। पर लेकिन उसको 5-6 दिन के बाद ही, अब वो मात्र कुछ एक समय के बाद ही हरियाणा सरकार ने अभी पीछे वो 8 अप्रैल को उस लेटर को विड्रा कर लिया। तो हमारा उससे हरियाणा सरकार के प्रति गहरा रोष है, और क्योंकि वो कर्मचारियों के हितों के साथ सीधा साधा कुठाराघात है। तो हम जैसे ही चुन के आते हैं तो हमारी ये भी लड़ाई रहेगी कि जो लेटर हरियाणा सरकार ने विड्रा किया है, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कर्मचारी हितों को देखते हुए उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। हम सरकार पे जो हमारी पहले से जो बातचीत चली हुई थी और जिस दबाव से हमने उस लेटर को जारी करवाया था, आगे भी जो विड्रा लेटर हुआ है उसको दोबारा से जारी करवाएंगे, और सभी विश्वविद्यालयों से जल्द उसकी जो भी आगामी कार्रवाई होनी है उनको आगामी कार्रवाई को करवा के हरियाणा सरकार के पास उस केस को भेजेंगे, ताकि जो हमारा SFS का कर्मचारी है वो बजट में कन्वर्ट हो पाए।